सोने के दाम भी गिरने लगे। सराफा बाजारों में सोना 10,000 रुपए तक सस्ता। 24 के रात सोने की कीमत 1,44,000 रुपए प्रति तोला मुकर्रर। चांदी 85 रुपए कमी के बाद 1,600 रुपए तोला हो। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पाकिस्तानी मईशत संभलने लगी। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी मुसलसल गिरावट का शिकार। अमरीकी करेंसी की कीमत में 10 रुपए 38 पैसे की कमी। इंटरबैंक बैंक में डॉलर 228 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए सस्ता 229 पर ट्रेड। मोटरसाइकिल सास कंपनियों की जानिब से कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी। सुजुकी ने कीमतों में 10 से 16,000 रुपए का इजाफा कर दिया। सुजुकी जीटी 110 सीसी 10,000 रुपए महंगी हो गई। सुजुकी जीटी 110 की कीमत 2,29,000 रुपए मुकर्रर। सुजुकी जीएस 150 एसई 15,000 रुपए की महंगी हो गई। सुजुकी जीएस 150 एसई की नई कीमत 2,71,000 रुपए मुकर्रर। मोटरसाइकिल की नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की टैक्सेस में बेजा इजाफे के खिलाफ दूसरे रोज हड़ताल। लाहौर समेत मुल्कभर में दूसरे रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के दाखिले और खारजी रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। न्यासी एक्सप्रेस, स्काईवेज, पैसल मूवर सिटी बस टर्मिनल, रहबर अड्डा मुकम्मल बंद। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी असमतुल्ला न्यासी कहते हैं, मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट का कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं। मुतालिबा तस्लीम ना किए गए तो पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। भारी बिल आने पर शादबाग भम्बे झुकियां के रहायशियों का रिंग रोड पर एहतजाज। मुजाहिरों ने रिंग रोड को शादबाग अंडरपास से बंद किए रखा। मुजाहिरों की लेस्को इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। महाना 16 अरब रुपए की सब्सिडी देने के वादे पर अमल ना हो सका। लाहौर में सस्ते आटे की फ्राहमी दर्दे सर बन गई। शहरी बाजार से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। महकमा खुराक हुकाम कहते हैं, आटे का मुस्तकिल बहरान पैदा किया जा रहा है। लाहौर मिल्स अपने मुकर्रर कोटे के मुताबिक आटे की सप्लाई की यकीनी बनाए। ऑरेंज ट्रेन के लिए चीन से मिलने वाले कर्ज को मुकम्मल इस्तेमाल ना किया जा सका। चाइनीज एक्सिम बैंक से 1626 मिलियन डॉलर कर्ज मिला। जून 2021 तक 1400 मिलियन डॉलर से ज्यादा इस्तेमाल किए गए। तीसरी किस्त के लिए बैंक ने मुबैना तौर पर डॉलर के नए रेट के मुताबिक कर्ज लिया। सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर की वज़ीर-ए-आला का मनसब संभालने पर परवेज इलाही को मुबारकबाद। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा तालुकात के फ़रोग तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना तालुकात हैं। मानसून में नकासी आंख के नाकिस इंतजाम का नतीजा। शहर में डेंगू लार्वा की अफसाइश में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों के दौरान शहर में 4 डेंगू मरीज रिपोर्ट। नवा साल शहर में अब तक 148 डेंगू मरीज सामने आ चुके। शहर में 1761 मुकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद। 90 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई। शहर में पोलियो के माहौलियाती नमूने एक बार फिर मस्बत आ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 माहौलियाती नमूने लिए गए। मुल्तान रोड के सीवरेज से लिए गए नमूनों से पोलियो वायरस मस्बत आया। CEO हेल्थ लाहौर कहते हैं, दीगर सूबों से आए बच्चों से माहौलियाती नमूने मस्बत निकले। इस इलाके पोलियो मुहिम अब 22 अगस्त से शुरू होगी। मुल्तान रोड के इलाकों पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। PTI के वकील ने DGLTA की तैनाती को खिलाफ कानून करार दे दिया। PTI के वकील ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को मरासला भिजवा दिया। आमिर अहमद खान की तकर्री अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। मरासले का मतन, नए DGLTA की तैनाती वापस ना ली गई तो अदालत में चैलेंज किया जाएगा।
नसीर चौहान समेत दीकर के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे का मामला। नसीर चौहान समेत 8 मुलजिमान ने जमानत के लिए अदालत से रजू कर लिया। थाना चौक पुलिस ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई है। दरखास्त गुजार का मौके इसहाक डार को सेनेटरशिप से नाहल करने के लिए दरखास्त पर समान। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। असर सदीक के अटॉर्नी जनरल को नोटिस करने पर एतराज। वफाकी हुकूमत को फ्रीक ही नहीं बनाया गया। असर सदीक का मौके। गवर्नर पंजाब से VCUHS डॉक्टर एहसन वहीद और डॉक्टर खालिद खान की मुलाकात। मेडिकल कॉलेजेस के करिकुलम पर नजरसानी और उसे जदीद तकाजों के मुताबिक बनाने पर इत्तफाक। गवर्नर पंजाब कहते हैं, हमने बच्चों को डॉक्टर बनाने के साथ बेहतरीन इंसान भी बनाया है। हमारे डॉक्टर्स आला तरीन इखलाकी इकदार के मजहर होने चाहिए। डॉक्टर फरा मसूद की खिदमत पंजाब हुकूमत ने मांग ली। डॉक्टर फरा मसूद को कमिश्नर लाहौर तैनात करने का उसूली फैसला। डॉक्टर फरा मसूद 2019 से 2021 तक कमिश्नर सरगोधा तैनात रही हैं। गुज़श्ता माह सेफ सिटीज अथॉरिटी को 30,31,732 कॉल्स मौसूम हुई। 2,10,037 कॉल्स पर पुलिस की मदद फराहम की गई। मौसूल शुदा कॉल्स में से 18,16,584 कॉल्स गैर मुतलिका थी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने 15 हेल्प लाइन कॉल्स का रिकॉर्ड जारी कर दिया। अशरा मुहर्रमुल हराम के लिए पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद। लाहौर में 460 जुलूस, 3,868 मजालिस के इनेकाद। जुलूसों की सिक्योरिटी पर 7,743 अफसरान और अहलकार तैनात हैं। तर्जुमान पुलिस कहते हैं, मजालिस की सिक्योरिटी पर 20,788 अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। रेलवे इंतजामिया ट्रेनों को बर वक्त पहुंचाने में नाकाम। कराची और कोटा से लाहौर आने वाली मुतादिद ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार। कराक्रम एक्सप्रेस 7 घंटे 10 मिनट लेट। खैबर मेल एक्सप्रेस 6 घंटे 10 मिनट ताखिर का शिकार। सेक्रेटरी सनत और तिजारत डॉक्टर अहमद जावेद काजी की जेर सदारत इजलास। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की सनती कर्जों की स्कीमों पर पेशरफ का जायजा। सेक्रेटरी सनत और तिजारत कहते हैं, आसान कर्जों की स्कीमों से हजारों लोग इस्तेफादा कर चुके। डिजिटलाइजेशन से स्कीमों को मजीद शफाफ और मौसर बनाया जा सकता है। एजुकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स को 31 अगस्त की डेडलाइन दे दी। 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले प्राइवेट स्कूल्स को सील कर दिया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी हुकाम कहते हैं, लाहौर में गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स की तादाद 2,000 से भी कम रह गई। गुज़श्ता माली साल में 2,000 गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया। कोशिश थी हर शोबे के लिए बेहतरीन खिलाड़ी का इंतखाब करें। वाइट बॉल क्रिकेट में हमारे खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो विकेट कीपर तब्दील भी कर सकते हैं। स्क्वाड में बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनका तजुर्बा ज़्यादा हो। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मानसून रंग जमाने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। जौहर टाउन, दरोगावाला, हरबंसपुरा के इलाकों में बादल बरसे। मुगलपुरा, इलामा इकबाल रोड और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है।